ओम दुर्गा देव्य नमो। आज नवरात्रा पूजन का चौथा दिन है। नवरात्रा पूजन के चौथे दिन माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी का उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी सब भक्ति से आयु जश बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। इनकी स्वरूप में इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू धनुष बाण कमल पुष्प अमृत पूर्ण कलश चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। सिंह पर आसीन होकर ये दिदीप्यमान है। कुंभरे की बोली इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसे इस शक्ति का कुष्मांडा नाम प्रसिद्ध है। इसी व्याख्या रुद्रायमल एवं कुंजिका आगम तंत्र से वर्णित है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं कुष्मांडा देवी में ही हैं। कुष्मांडा देवी के शरीर की कांति और प्रभाव भी सूर्य के समान भास्वर है। इनके तेज और प्रभाव की क्षमता अन्य कोई भी देवी देवता से नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। नवरात्रा पूजन के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इन दिन उसे अत्यंत पवित्र और स्थिर मन से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में मक्खन शहद मालपुआ चढ़ाना चाहिए। इनकी उपासना से मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। नमस्कार। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।